और जो मोदी सरकार की झूठ है उसके खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कल हम लोग पूरे राज्य में जिलावार धरना करेंगे और लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि एनडीए के डीएनए में ही लूट है। लूट कर छूट देना ये उनकी प्रवृत्ति सी बन गई है। जब सिलेंडर का दाम बढ़ता गया, लोग कराहते रहे, तब तक प्रधानमंत्री जी का को ख्याल नहीं आया जब तक कि सिलेंडर और स्मृति कि कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको कम करना होगा। और जनता ने जिस तरह से महंगाई के विरोध में सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट्स आए, देखेंगे तो जो पिछले 9 सालों में सरकार ने रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी करके जनता से 31.37 करोड़ लोगों को लूटने का काम किया। और सिर्फ हमारे उज्ज्वला बहनों से ही 2017 से अब तक मोदी जी ने 68,702 करोड़ रुपए लूटने का काम किया। और अगर पूरे गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको आप देखेंगे तो 8,33,640.76 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने समझा कि बहुत ज़्यादा लूट लिया है और अब उस लूट में कुछ छूट देने की बात की जाए, और 1167 रुपए का सिलेंडर झारखंड में 967 रुपए का हो गया। इसको सच पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने लोगों की ऐसी हालत कर दी कि प्यास से गला सूख जाए, फिर 2 बूंद पानी पिलाकर उसके गला को सुखाया जाए और उसको कहा जाए कि तुमको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। 9.5 वर्षों में ईंधन में टैक्स द्वारा मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी की है। 2014 से अब तक मोदी सरकार द्वारा गैस के सिलेंडरों में 185% की वृद्धि की गई, और जब 200 रुपया कम किया गया तो उससे 17.5% की कमी की गई है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से लगातार हर चीज में लूट हो रही है और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, और आज अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो जो चर्चा है, जिस तरह से जो करोड़पति लोग हैं उनको किस तरह से करोड़ों करोड़ में छूट दी जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों, सभी को छूट दे करके कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है, या यूं कहिए कि माफ कर दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए। और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो ये लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ, अमीर को अमीर बनाते चले जाओ। फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसका भी कारण आर्थिक है। जो आत्महत्या हो रही है वो आर्थिक कारणों से हो रही है। तो पहले जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में,
तब भूख से मौत होती थी, अब हम लोगों ने कम से कम उस पर क्योर किया है, तो फिर और तरह की घटनाएं सामने आती है। तो इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है संजीदगी से देखना और समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की बैठक है, इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो 200 रुपये कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा। उधर अडानी जी जो घोटाला कर रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? जनता है सब जान चुकी है, और जो हाल देख रहा हूं, घाटा रहता था वो मिलता था, फिर 176 हुआ, फिर 210 हुआ, फिर 300 हुआ, आज 440 रुपया में मिलता है। और अगर उनके साथी बेच रहे हो तो और 10 रुपये, जो देसी घी 300 रुपये की होती थी वो 875 का हो गया। रसोई गैस के बारे में बता ही चुका हूँ, 410 रुपया उस समय होती थी, आज इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल 66 रुपये का था, 100 रुपये का हो गया है, 100.3 पैसा आज के डेट में रांची में उसका रेट है। उसी तरह देखेंगे डीजल 52 रुपये का था तो 95.84 रुपये का हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में कभी पुराना कोई बिल हो 10 साल पुराना और इसको मिलाएंगे तो पाएंगे कि दुगने से ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दवाई जैसी जो आवश्यक चीज़ है, जिसमें वो पहले कहते थे कि तमाम दवाइयों पे छूट मिलेगी और इसमें ऐसा होगा उसमें वैसा होगा, उसमें 32 से लेकर के 100% तक बढ़ोतरी हुई है। तो जब एक तो बीमार पड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरा दवा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि जहां जाओगे लुटे जाओगे। तो इस तरह का जो प्रयास चल रहा है, इससे हम लोग आगाह करने के लिए और इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में कल धरना भी करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि देश की जो GDP थी वो किस तरह से गिर रही है, किस तरह से डॉलर के दाम में, जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र का हवाला दे करके, अब अगर वो देखेंगे तो मोदी जी के उम्र से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है मामला। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो कच्चा तेल 2014 में की तुलना में 20% कम होने के बावजूद आज भी डीजल पेट्रोल में के दामों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उससे 30-40% ज़्यादा दामों में बेचे जा रही है। 12 महीनों के में अगर देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया 12% गिर चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ चिंता का विषय इंडिया है, इंडिया के घटक दल के लोग हैं, लगातार आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और एक बार फिर से हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया है। धन्यवाद। कल धरना पूरे राज्य में, हर जिला मुख्यालय, हर जिला मुख्यालय में, तो यहाँ राजभवन के बाहर ही होगा। घूम के आप आए हैं, क्या दिखा नजारा वहाँ पे? बाबूलाल जी ने कहा है पीछे करके कि आप लोग गंदे पर उतर आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। देखिए, मैं बाबूलाल जी का भी दुरुपयोग हो रहा है।